नमस्कार, इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछली जो लेक्चर सीरीज चली थी उसमें हमने बीपीएस प्रोजेक्ट एज ए होल कंप्लीट कर लिया था, और बीपीएस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमने तीन लेक्चर्स किए थे, ठीक है। और उन तीन लेक्चर्स में हमने उसका होमवर्क और साथ ही साथ जो फाइनल की बीपीएस प्रोजेक्ट क्या होता है और कब शुरू किया गया, ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं उस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न संकल्पनाएं क्या हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न संकल्पनाएं और उसके अंतर्गत क्या क्या परिभाषाएं हैं और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो विभिन्न परिभाषाओं में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए आज हम अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखा होगा, ठीक है, उसमें देखा होगा कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन सी संकल्पनाएं हैं, जैसे जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य क्या है और फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत क्या है। तो ये जो संकल्पनाएं हैं, इन छह संकल्पनाओं को समझने के बाद ही हम इस पूरे डायग्राम को समझ सकते हैं। इन छह संकल्पनाओं को समझने के लिए अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं तो इनके बीच में रिलेशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। अगर हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं या नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए और इस डायग्राम को, जैसे अभी इस डायग्राम में आएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इनको जो है ना आपस में रिलेट कर रहे हैं, देखिए। अब जैसे डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जीएनपी और एनएनपी यानी कि इस जी यानी कि ग्रॉस और नेट इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये किस में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, जीएनपी और जीडीपी के बीच में। जी और पी तो अपनी जगह पर है लेकिन चेंजेस कहां आ रहे हैं, एन और डी में। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है वो कर रहा है एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी अपनी जगह पर है, जीएनपी अपनी जगह पर है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यह है मार्केट प्राइस पर और यह है फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में रिलेशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, तो वो एस्टैब्लिश कर रहा है एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस डायग्राम को पूरा समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास क्या होता है। फिर उसके बाद हमें समझना होगा एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय क्या है, उसको समझना होगा। फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के रिलेशन को समझने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको समझना होगा। जब हम इन तीनों को समझ लेंगे तब हमें जीएनपी और जीडीपी में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। बेसिकली देखिए, आपको ये सारी परिभाषाएं रटनी नहीं है, अगर आपको इनकी समझ हो गई है तो इनमें से एक भी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप परिभाषाएं रटने की बजाय आप इनकी एक समझ डेवलप कर लें, ठीक है, जिससे कि जो है आप में जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अब कोई भी हमने अगर कॉन्सेप्ट हमने जो लिया है उसमें देखिए जीडीपी तीन लेटर आ रहे हैं, तीन वर्ड लेटर आ रहे हैं, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब पहले नंबर पे जो चेंज हो रहा है वो ग्रॉस से नेट में हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस से नेट में हो रहा है। और जो दूसरे नंबर पे जो हमारा लेटर है
वो डोमेस्टिक और नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ग्रॉस से जब नेट हो रहा है तो क्या है जो इसमें सकल और निवल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है? तो हमने पिछले उसमें क्या देखा, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो मूल्यह्रास है यानी कि डिप्रिसिएशन सकल और निवल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। अब डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय के बीच में कौन संबंध स्थापित कर रहा है? तो वो है NFIA, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, ठीक है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इन दोनों के बीच में, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में कौन संबंध स्थापित कर रहा है? तो हमने देखा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब हमें डिप्रिसिएशन, NFIA और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की समझ होगी तब हमें ये जो है ना अगले चरण में इन परिभाषाओं को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। अब डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में जो पहला पॉइंट आपको रटना है या मूल्यह्रास में आपको जो पहली चीज अपने दिमाग में बसा के रखनी है कि गणना में जो डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की काउंटिंग की जाती है वो डिप्रिसिएशन लिया जाता है सिर्फ पूंजीगत वस्तुओं का, सिर्फ कैपिटल गुड्स का ही डिप्रिसिएशन गणना में शामिल किया जाता है। जो फाइनल गुड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका डिप्रिसिएशन में यूज, उनका जो, उनकी जो गणना है वो उनका जो उनके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन होता है वो गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उन पूंजीगत वस्तुओं में वियर एंड टियर की वजह से जो मूल्यह्रास होता है उसको गणना में शामिल करते हैं और इस मूल्यह्रास को ही हम डिप्रिसिएशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें ग्रॉस यानी सकल से, ग्रॉस से हमें जाना है नेट में, निवल में, तो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जा रहे हो या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जा रहे हो, उससे अगर आप निवल घरेलू उत्पाद या निवल राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय उत्पाद में जा रहे हो तो आप करेंगे क्या, सकल से जब भी कन्वर्ट होंगे हम निवल में तो हम डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, और जब निवल से सकल में कन्वर्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, ठीक है। निवल यानी कि आपको एक शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, नेट यानी कि इसमें वास्तविक चीज क्या है, नेट यानी कि वास्तविक, नेट पैसा मेरा कितना है, तो मेरा वास्तविक पैसा कितना है, तो नेट का मतलब आपको एक फील समझ में आ रहा है। तो नेट में क्या है कि वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है, तो वास्तविक उत्पादन तो उतना ही माना जाएगा ना कि आपने कोई उत्पादन किया, उस उत्पादन की गतिविधि में जो हमारी मशीनरी जो फैक्ट्री जो थी उनमें वियर एंड टियर हुआ होगा, तो अब उनकी भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे लिए पड़ जाती है, तो उस वियर एंड टियर की वजह से जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसको जब हम घटा देंगे तो हमारा सकल से हम निवल में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सकल उत्पादन कितना है तो हम डिप्रिसिएशन को जोड़कर बताएंगे। क्या ये डिप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया? डिप्रिसिएशन के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि डिप्रिसिएशन जो काउंट किया जाता है वो पूंजीगत वस्तुओं का काउंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी संकल्पना हम समझते हैं कि डोमेस्टिक और नेशनल, यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय, घरेलू और राष्ट्रीय में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेशन क्रिएट करता है, वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, ठीक है। अब वो क्या है उसको देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए इस एक चीज तो पहले तो ये समझिए कि हम घरेलू से किधर जा रहे हैं, राष्ट्रीय की ओर, ठीक है। अब घरेलू में क्या है, तो घरेलू का मतलब हो गया कि हमारे घरेलू क्षेत्र में चाहे वो भारतीय हो, इंडियंस हो, और या फिर हमारे घरेलू क्षेत्र में फॉरेनर्स हो,
इन दोनों को घरेलू क्षेत्र में इनके द्वारा जो उत्पादन होता है ठीक है उसका मौद्रिक मान काउंट कर लिया जाता है। तो घरेलू क्षेत्र में चाहे भारतीय काम कर रहे हो या विदेशी अर्जित कर रहे हो, इन दोनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उन दोनों का उत्पादन जोड़ लिया जाता है ठीक है। लेकिन ये जो उत्पादन ये सीमित कहां तक रहता है, सिर्फ घरेलू क्षेत्र तक ठीक है। अब घरेलू क्षेत्र क्या होता है उसको भी हम अगले चरण में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय क्या होता है। राष्ट्रीय एक शब्द से अपने अंदर एक फील बनाइए कि राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना जैसे हमारे भारतीय हैं, भारतीय चाहे विदेश में हो या अपने देश में हो, जब कोई बात आती है राष्ट्रीयता की या अपने देश की बात आती है तो एक राष्ट्रीय भावना अंदर आती है ना। तो वो राष्ट्रीय भावना के तहत आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं वो इस राष्ट्रीय के अंतर्गत काउंट होंगे ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय में जब हम जा रहे होंगे तो किसका उत्पादन काउंट करेंगे, सिर्फ भारतीयों का उत्पादन काउंट करेंगे ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो जब हम घरेलू में काउंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी काउंट कर रहे हैं और प्लस फॉरेनर्स भी काउंट कर रहे हैं। और लेकिन क्या सिर्फ इतने ही भारतीय हैं, भारतीय हैं जो बाहर विदेशों में भी हैं, कुछ भारतीय विदेशों में भी हैं ठीक है, इस यानी कि वर्ल्ड में अलग अन्य जगहों पर भी हैं कुछ भारतीय ठीक है। तो हम घरेलू में इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय में कन्वर्जन में जाएंगे ठीक है, घरेलू से डोमेस्टिक से हम जब नेशनल में जाएंगे तो हम फॉरेनर्स को काउंट नहीं करेंगे और इन इंडियंस को भी काउंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। तो जब भी हम घरेलू से राष्ट्रीय में जाते हैं तो आप हम भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हम अपने भारतीय फील से समझेंगे कि घरेलू से जब भी हम राष्ट्रीय में कन्वर्ट होंगे, हमारा जो डिफिनेशन कन्वर्ट हो रही है तो हम क्या समझेंगे कि राष्ट्रीय के अंतर्गत समस्त भारतीय, वो चाहे पूरी पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो। ये चीज समझ में आ गई। अब हम समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि घरेलू में कौन कौन कर रहे थे, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है और डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन थे, इंडियंस भी थे और फॉरेनर्स भी थे ठीक है। अब उसके बाद कुछ इंडियंस हैं जो वर्ल्ड में अन्य जगहों पर भी उत्पादन कर रहे हैं ठीक है। तो हम जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे तो क्या करेंगे कि हम यहां पर जो इंडियंस उत्पादन कर रहे हैं और वर्ल्ड में अन्य जगहों पर जो इंडियंस उत्पादन कर रहे हैं ठीक है, उसमें से हम इसको हटा देंगे ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय ठीक है, भारतीयों द्वारा विदेशों से जो इनकम ली जा अर्जित की जा रही है ठीक है, जो इनकम जनरेट की जा रही है उसमें से घटाएंगे क्या, माइनस क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आए दैट मीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आई टू ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया, आई वन माइनस आई टू। अब मैंने आपको राष्ट्रीय फील्ड वाले में इन इंडियंस और इन इंडियंस को क्यों समझाया कि जब आप जीएनपी की डिफिनेशन पढ़ोगे तो जीएनपी में कौन से भारतीय शामिल होंगे, एक हमारे भारत में जो काम कर रहे हैं और जो विदेशों में काम कर रहे हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। तो भारतीय और विदेशी स्थल दोनों जगहों पर जो हमारे भारतीय उत्पादन कर रहे हैं ठीक है, जब हम जीएनपी पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हम उन दोनों का उत्पादन जोड़ेंगे और उसमें से घटा क्या देंगे, उसमें से हम विदेशियों का जो विदेशियों ने अपने हम भारत से आय अर्जित की है उसको हम घटा देंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आ गया, विदेश भारतीयों द्वारा
विदेशों से अर्जित आय में से घटा देंगे विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, ये हमारा कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, जब हम परिभाषाएं पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और वो क्या है, वो है हमारा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा, अब देखिए किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में कुछ साधन लगते हैं, ठीक है, तो ये साधन चार हैं। अब ये कौन कौन से साधन हैं ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इन साधनों की वजह से जो लागत जनरेट हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अब मैंने अगर इस एक पेन को बनाया है तो इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये कुछ लगे हैं और इनके बदले में क्या जनरेट हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी कुछ साधन लागत होगी। जब ये पेन बाजार में बिकने जाएगा तो इस पेन पर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देगी, और अगर ये जरूरी आवश्यकता की वस्तु है तो हो सकता है गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे दे। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, एनआईटी क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब अगर इस पेन को ही लीजिए, अगर इसको बनाने में 10 रुपए लगे हैं, ठीक है, ये इसका फैक्टर कॉस्ट है, और इसमें गवर्नमेंट ने 2 रुपए, ये इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया और गवर्नमेंट ने इसमें इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपए लगा दिया, और सब्सिडी मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो हमारा जो मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस हमारा हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि 12 रुपए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हो गया जो इनडायरेक्ट टैक्स किसी वस्तु में लगता है जब वो बाजार में बिकने जाती है। ठीक है, तो उसमें से अगर आप सब्सिडी घटा दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। ठीक है, अब इसको जैसे हम एक बार फिर से समझते हैं, मार्केट प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस बराबर आपका क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ इसमें सब्सिडी दी हो। ठीक है, जो आप जैसे गवर्नमेंट कुछ वस्तुओं पर जो है टैक्स तो लगा रही है, लेकिन फिर उसके बाद उसको बाद में पीछे मतलब बैंकों में क्रेडिट करके उसमें कुछ सब्सिडी भी दे देती है। ठीक है, तो यहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो नेट नहीं है, अगर इसमें सब्सिडी भी इंक्लूड है तो वो क्या हो जाएगा, एनआईटी में से अगर सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एनआईटी में से नहीं, आईटी में से, इनकम टैक्स में से अगर सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। किसी भी वस्तु पर जो लगा हुआ निवल अप्रत्यक्ष कर क्या है, ठीक है, तो निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होगा कि जो अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु में लगा है, ठीक, उसको उसमें से जब हम सब्सिडी घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा एनआईटी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये तीन संकल्पनाएं आज समझ में आ गई कि एनएफआईए क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है और एनआईटी क्या है। जब ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो अब हम अगले चरण में जो हम समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, फिर हमारी जो जीडीपी है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट नहीं, जो उत्पादन के साधन है, मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिर हमारा जीडीपी की डिफिनीशन क्या है, जीएनपी की डिफिनीशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डायग्राम है जो हमने पीछे देखा था, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने तीन संकल्पनाएं समझी हैं वो संकल्पनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये संकल्पनाएं आपको समझ में आ गई तो आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सारी परिभाषाएं आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।